नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मॉनसून की पहली बारिश ने शासन प्रशासन की तैयारियों की पोल को खोलकर रख दिया है। 18 जून को हुई मूसलाधार बारिश से पहले ही दिन पिंडर घाटी की तीनों तहसील थराली देवाल सहित नारायणबगड़ में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई थी। आमसौड़ में लगातार हो रहे भूस्खलन से जहां बिजली के खंभे गिर गए, तो वहीं पांती के पास भी बिजली के खंभे गिरने से विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लेकिन विद्युत विभाग आज तक पांचवें दिन तक भी पिंडर घाटी में विद्युत आपूर्ति को बहाल नहीं कर पाया। आज ये करीब चार दिन हो गए, पांचवा दिन शुरू हो गया है और बिजली नहीं है, जबकि इससे बड़ी आपदा 2013 में आई थी और दूसरे दिन बिजली आ गई थी। आखिर में क्या विभाग कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। शासन क्या कर रहा है, प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है, सभी अधिकारियों के स्विच ऑफ हैं। विद्युत विभाग के जितने अधिकारी हैं सबके स्विच ऑफ आ रहे हैं, ये बताने को तैयार नहीं है कि कब तक बिजली आएगी। विकासखंड मुख्यालयों तक पहुंचने के सारे मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग बता रहा है कि 12 सड़कें उसकी बंद है। इसका लाइट का अभाव से संचार जो माध्यम है वो सब ठप पड़ चुके हैं और जो आवश्यक सेवाएं हैं जो लाइट के माध्यम से ही जुड़ी हुई हैं, ये सब कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें कि पब्लिक को काफ़ी परेशानी हो रही है और संपर्क सूत्रों में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। जैसे कि कोई कार्य ऑनलाइन संबंधित है या ऐसे है, तो सारी जगह यही विपदा बताई जा रही है कि लाइट नहीं है, लाइट ना होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है। से मैंने खुद ही 3-4 दिनों से लाइट नहीं है, तो मैंने जनरेटर की व्यवस्था करी और जनरेटर व्यवस्था से मैंने अपने कार्य को सुचारू किया। जब से बारिश शुरू हुई है तब से लाइट है ही नहीं इस क्षेत्र में, और इसे तो मेरे को लगता है कि व्यापार से लेकर विभाग से लेकर और जो आपदा की स्थिति इसमें बनी, इसमें लाइट का बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए, जिससे कि कई कार्यक्रम होते हैं और लाइट तो मेरे को लगता है विभाग किसी स्तर पर काम कर रहा है या कैसे काम कर रहा है, जबकि आपदा के टाइम पर तो युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए था और मेरे को नहीं लगता कि युद्ध स्तर पर काम हो पा रहा होगा। शायद क्या दिक्कत है ये तो विभाग जाने इस बारे में बेहतर, लेकिन तभी लेकिन क्षेत्रवासियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। थराली नगर पंचायत के सिमलसैंड के स्थानीय लोगों ने उपजिलाधिकारी थराली को ज्ञापन देते हुए ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवाल तिराहे से सुनला पेट्रोल पंप तक सुरक्षित दीवार लगवाने और नालियों का निर्माण कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि राजमार्ग पर सुरक्षित दीवारें न होने की वजह से कृषि योग्य भूमि को नुकसान हो रहा है, साथ ही सड़क चौड़ीकरण के बाद सुरक्षा दीवार न बनने से कृषि भूमि भूस्खलन की जद में आ गई है। बीआरओ के द्वारा रोड निर्मित की है, उस रोड से उनके द्वारा बताया गया है कि जो ऊपर की तरफ का है भूमि है वो कटाव कंटिन्यू उसका कटाव हो रहा है और उनके लिए उनके जो ऊपर सड़क के ऊपर जो मकान है वो खतरे की जद में आने की बात कही गई है। और उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि जो बीआरओ के द्वारा रोड की कटिंग की गई है, रोड से मलबा नीचे फेंकने के कारण नदी के कटाव से भी नीचे की जो भूमि है वो खतरे की जद में आ, जो नालियां हैं सड़क की नालियां और इसका बर बंद अवस्था में है, तो बीआरओ को पूर्व में भी निर्देशित किया जा चुका है पत्र के द्वारा माध्यम से, अभी मैं पुनः उनको निर्देशित करूंगा कि इमीडिएटली नाली और इसका बर ओपन कर दें जिससे पानी को एक सही बहाव मिल सके। जो देवाल तिराहा है वहां से लेके सुनला गदेरे तक सुरक्षा दीवार का निर्माण, नदी किनारे भी और जो सिमलसैंड वासियों की कृषि भूमि है उसके किनारे भी सुरक्षा दीवार का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि बीआरओ ने कटिंग के दौरान सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं किया, जिस वजह से सारी कृषि भूमि लोगों की भूस्खलन में नीचे आ गई है। कब से समस्या बनी है? शुरू ही हुई है और पहली बरसात में ये समस्या शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये समस्या और बड़ी विकट हो सकती है। बीआरओ के अधिकारी को सूचित किया गया था और उनके द्वारा यही कहा गया था कि सुरक्षा का दीवार का निर्माण होगा, बट जो अभी तक नहीं हो पाया है। अभी जो बरसात शुरू है इसमें हमारे कृषि खेती को काफ़ी नुकसान हुआ है और आने वाले टाइम पर हमारे गाँव नुकसान हो सकता है। जो उन्होंने सुरक्षा दीवार नहीं दे रखी है वो सुरक्षा दीवार देना काफ़ी अनिवार्य था और ये बैंड से लेकर सुनला तक कहीं पे भी सुरक्षा दीवार नहीं दे रही है और ये तुम लगा लो लोल्टी ग्वालदम वाली रोड पे उन्होंने हर कहीं सुरक्षा दीवार दे रखी है। इसमें हमने काफ़ी बार विज्ञापन दिया उनको लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पौड़ी के बीरोखाल क्षेत्र के बैजरों के पास एक रोड रोलर अचानक से नियंत्रित होकर पास की नयार नदी में जा गिरा। इस हादसे में 2 लोगों को चोटें आई हैं जिन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। ये रोलर को शिफ्ट कर रहे थे वो ऑपरेटर और शायद वो कोई पास लेने के लिए या इस तरह था, वैसे
उससे बातचीत हुई है जो दूसरे हमारे कर्मचारी की, तो वो कहते हैं कि कुछ गियर वगैरह की भी कुछ प्रॉब्लम रही है और इस वजह से वो वहाँ पर अनकंट्रोल हो गया और इसकी वजह से वो गिर गया। कूलर तो काफ़ी डैमेज हो गया है और उसको भी चोटें आई हैं, इसका इलाज यहाँ प्राथमिक अस्पताल में हो रहा है। अभी तो हॉस्पिटल वाले ही उनको वहाँ पर रेफर किया है कि वो एक्सरे वगैरह किया जाएगा और जैसी भी डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी होगी तो उस पर रेफर करने की अगर जरूरत होगी तो वो रेफर करेंगे। दो लोग रोलर में जो चढ़ा है इसमें वो गिर गए थे, तो अभी इनका जो प्राथमिक ट्रीटमेंट किया गया है, बाकी एक को तो बहुत कम चोट आई है, एक को थोड़ी बहुत जिससे जिससे और थोड़ा चोट आई है उसको ड्रेसिंग वैसिंग करके जाँच किया गया है और उसको बाहर जाँच के लिए एक्सरे वैक्सरे के बाहर ही रेफर किया जा रहा है। सर क्या 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 नाम है इन दोनों का? एक का नाम अभिषेक है, दूसरे का नाम देशराज है। यहाँ पे एक्सरे वगैरह नहीं हो रहा है? तो आप इनको आप क्या कर रहे हो? आप इनको एक्सरे के लिए बाहर ही किया जा रहा है। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी लगातार वन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करता आया है। पिछले 5 सालों की बात करें तो वन विभाग तराई पश्चिमी ने 1,806 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए उनको वन अपराध के तहत सीज किया है, जिसमें से विभाग ने 15 वाहनों को सरकारी संपत्ति भी घोषित कर दिया और कुल 14,92,04,266 का राजस्व प्राप्त किया है। पिछले 5 सालों में जो तराई पश्चिमी वन प्रभाग में कुल 1,806 वाहन पकड़े गए हैं, जिसमें से 15 वाहन जो हैं कन्फिस्केट किए गए हैं और कुल 15 करोड़ की हमें इसमें मुआवजा मिला है, जुर्माना वसूल किए गए। बाघों के लिए मशहूर उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार सफेद मोर देखा गया है। सफेद मोर देखने के बाद पार्क प्रशासन खासा उत्साहित नजर आ रहा है। सीटीआर अधिकारियों के अनुसार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की झिरना रेंज की वन टीम ने गश्त के दौरान जंगल में मोरों का झुंड देखा। इस बीच टीम ने एक सफेद मोर को झुंड में देखा तो दंग रह गए। टीम ने तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी। इन मोरों को अल्विन मोर के नाम से भी जाना जाता है। कॉर्बेट पार्क में झिरना रेंज में एक सफ़ेद मोर दिखाई दिया है। जनरली जंगल में जो मोर है वो होते हैं वो कलर्ड होते हैं और ये एक उनकी नेचुरल फिजिकल एक्सप्रेशन होता है। कभी कभी जीनेटिक डिसऑर्डर के कारण उसका जो कलर का पिगमेंट वो एक्सप्रेस नहीं होता है, जिसको साइंटिफिक टर्म्स में एल्बिनो कहा जाता है या मेलानिज्म कहा जाता है। तो ये सफ़ेद मोर झिरना रेंज में पहली बार पाया गया है और इसकी स्टाफ इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। टिहरी जिले के केंद्र बिंदु चंबा में प्रशासन के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय लोगों में रोष देखने को मिला। चंबा में इस समय कोरोना वैक्सीन को लेकर 2 सेंटर प्रशासन के द्वारा बनाए गए हैं। वैक्सीन सेंटर में लोगों को पेयजल शौचालय की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जो कि स्वागत योग्य कदम है, किंतु उनमें जन सुविधा के लिए नाम पर कुछ भी नहीं है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग बहुत देर तक लाइनों में खड़े रह रहे हैं, वहाँ पर पेयजल की कोई सुविधा नहीं है, शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। सही समय पर लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा पा रही है। लोग दूर दराज से गांवों से आ रहे हैं, वृद्ध लोग हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, और उनके लिए इन असुविधाओं को यदि प्रशासन नहीं देख रहा है तो ये बड़ा खेद का विषय है और प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेते हुए जन सुविधा की सभी आवश्यकताएँ वहाँ पर उपलब्ध करवानी चाहिए। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया चुनाव के चलते जिलों के तूफानी दौरे पर हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर पहुंचे दिनेश मोहनिया ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दिनेश मोहनिया का कहना है कि दिल्ली मॉडल की तस्वीर लेकर वो पहाड़ों में जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, पलायन, यही मुद्दे रहने वाले हैं। लेकिन ये मुद्दे आप बात करेंगे तो ये हर पार्टी के मैनिफेस्टो में मिलेंगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि जिन मुद्दों की हम बात करें उसको हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम लागू कैसे करेंगे।
और साथ ही साथ हमने दिल्ली में लागू करके दिखाया है। तो अगर सही नीयत से सही ईमानदारी से काम किया जाए तो हो तो सकता है। उन्हीं मुद्दों के साथ हम लेके बीच में जाएंगे और हमारा ये मानना है कि जिस तरीके की हमारी क्रेडिबिलिटी है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, वो उत्तराखंड में भी लागू होगी। और जो जो हम मुद्दे हम अपने मैनिफेस्टो में लिखेंगे उनको टाइम बाउंड मैनर में उन मुद्दों के साथ जाएंगे, उनको पूरा करेंगे। काशीपुर के कटोरा ताल चौकी के अंतर्गत मस्जिद के पीछे पार्किंग में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसएसपी प्रमोद कुमार, सीओ अक्षय प्रहलाद कोंडे ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहां जो एक गोदाम है और गोदाम में एक छोटा सा रूम बना हुआ था जिसमे की लकड़ी और बोरे वगैरह रखे हुए थे, उसमें एक बॉडी जो है मिली जो की एक रस्सी से जो है लटकी हुई थी और बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था 2 या 3 दिन पुरानी है, जगह जगह से खाल छिली हुई थी। तो प्रथम दृष्टया भी बॉडी का मुआयना किया गया है और उसके पास जहां बॉडी मिली उस कमरे के पास एक टीन का जो है शेड भी है, तो वहां भी थोड़े से खून वगैरह के डब्बे वहां पे मिले हैं। जब पोस्टमार्टम हो जाएगा पीएम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, मृत्यु कैसे हुई। एसएसपी उधम सिंह नगर के द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एसओजी की टीम ने आगामी विधानसभा चुनाव में प्रयोग होने वाली 1.5 करोड़ की शराब और बियर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इस कार्रवाई से आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। एसएसपी ने आबकारी विभाग पर भी कार्रवाई की बात कही है। जो बगवाड़ा मंडी है उस क्षेत्र से कुछ लोग शराब बेच रहे हैं, उसको फर्दर डेवलप एसओजी के माध्यम से कराया गया तो हमने देखा कि वहाँ पर एक राकेश जैन साहब का जो गोडाउन है उसमें लगभग 3875 जो है पेटी शराब जो है वहाँ पर रखी हुई है और उसमें से 1600 पेटी जो है आपका अलग अलग ब्रांड के जो है 3 ब्रांड के वहाँ पर शराब रखी हुई थी। उसी प्रकार से 2275 पेटी जो है बियर वहाँ हमने बरामद किया है, जिनका पूरा जो ओपन मार्केट में है लगभग 1.5 करोड़ रुपये की जो है इसकी कीमत आंकी जा रही है। इसकी संभावना प्रबल है कि ये जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं उस समय शराब को निकाल करके उसका इस्तेमाल करते। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।